सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना से किडनी संबंधित रोगों से ग्रस्त लोगों को कम दाम पर उपचार सुविधाएं मिल रही हैं। विशेषकर सोलन, शिमला और सिरमौर जिले के हजारों रोगियों को इन उपचार सुविधाओं का फायदा पहुंच रहा है। इससे पहले उन्हें भारी भरकम खर्च उठाकर चंडीगढ़ या दिल्ली के बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए जाना पड़ता था और कई बार इतना खर्च न कर पाने वाले लोगों को उपचार सुविधा से वंचित भी होना पड़ता था। मगर अब प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान बनी है। कोई लाभ हुआ जी? हाँ, फ्री डायलिसिस हो रहा। हम जैसे पहले यहाँ रहाई पे जाते थे तो हमारे को 1600 रुपया देना पड़ता था। जब से हम सोलन में आ रहे तब से जी फ्री हो रहा हमारा डायलिसिस और पूरा होता है और टाइम से हमारे को टाइम दिया जाता है। जिस दिन हमारे को बुलाते उस दिन हम आ जाते हैं। किडनी रोग से पीड़ित की तीमारदार गीता देवी ने बताया कि बीपीएल परिवार से होने पर अस्पताल में उनके रोगी का निःशुल्क डायलिसिस उपचार हो रहा है, जिससे वे बेहद खुश हैं। अच्छी सुविधा मिल रही सर हमारे को, फ्री हो रहा है इलाज। कार्ड था मेरा बना हुआ स्वास्थ्य कार्ड, वो खत्म हो चुका है। इलाज कर रही हैं, सही तरीके से इलाज कर रही हैं। किडनी रोग विशेषज्ञ एसके सैनी के अनुसार क्षेत्रीय अस्पताल में डायलिसिस उपचार के सभी उपकरण व प्रशिक्षित स्टाफ हैं, जिससे रोगियों को बेहतर सुविधा दी जा रही है। We are taking care of all the patients, whoever are BPL also, they get free of charge dialysis here. Daily 10 to 15 patients आ जाते हैं यहाँ। प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना किडनी रोगियों के लिए एक संजीवनी बनकर सामने आई है। DD News के लिए सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ शिमला से नंदिनी मित्तल की रिपोर्ट।